तो इसी को फेटार्क नाम जानते हैं। कहीं कहीं दोस्तों इसे गेहूं जो की डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और ब्लड को थक्का बना देता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एकदम रियल बाइट कर रहा है। ऐसे साथ से आपको सावधानी बरतना है, अगर रात में कहीं निकले अंधेरे में तो टॉर्च बत्ती हाथ में लेके निकलना है। हेलो, हेलो, हाँ, अरे रुकार माई कर देना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा है। तो हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं कुलदीप मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। दोस्तों कोई सांप देखा गया, तुरंत वहाँ पहुँच चुकी है। चलते हैं दोस्तों, निकाल दिखाते हैं कौन सा सांप है। आप लोग वीडियो में बन रहिएगा। उससे पहले दोस्तों अपना आई जो है एकदम स्थिर करके रखिए, क्योंकि सांप का आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों सांप पकड़ना काफी रिस्की काम है, ऐसे में खतरा बना रहता है। जब मौत आती है किसी से बता के नहीं आती है, हो सकता हो कि आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आइए दोस्तों पहले सांप के करीब में चलते हैं, प्लीज आइए। और उससे पहले दोस्तों उनसे रूबरू हो जाए जो हमको कॉल करके यहाँ बुलाए हैं। भैया अपना दर पता दे दीजिए। हमारा घर नाम है सुब्राती अली, गांव खोजापुर, तहसील कादीपुर, पोस्ट बरुआरीपुर, जिला सुल्तानपुर। चलिए धन्यवाद। थाना कादीपुर, कादीपुर। चलिए दोस्तों चलते हैं सांप करीब में निकाल दिखाते हैं। कहाँ है भैया सांप? तपोवा कहाँ है? ये भैया बहुत भयंकर सांप है, देख सकते हैं भैया। कैमरामैन थोड़ा जूम करिए, दिखाइए हमारे ऑडियंस को। दोस्तों देख सकते हैं काफी बिग साइज का कोबरा है। ऐसा कोबरा बहुत कम देखने को मिलता है, काफी पुराना कोबरा है। ठंडी में कैसे आ गई है तुम भयंकर? फंडवा का बना हुआ है भैया। दोस्तों देख सकते हैं इतना बिग साइज कोबरा बहुत कम देखने को मिलता है। पता नहीं कहां दोस्तों पन्न का इलाका, इधर से सांप घुस जाते हैं भोजन तलाश में बेचारे। एक तो दोस्तों ठंड है, ठंड में जब धूप निकलता है दोस्तों धूप खाने के लिए ऐसे सांप अक्सर भटकते रहते हैं, आते हैं बार और लोगों की निगाह पर जाता है। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं भारत देश का एक ऐसा सांप है, इसी को इंग्लिश में इंडियन स्पेशल कोबरा के नाम से जानते हैं हम सब भाई। और दोस्तों हिंदी में इसे नाग बोलते हैं। गांव देहात में इसी को फेटार्क नाम जानते हैं। कहीं कहीं दोस्तों इसे गेहूं, वैसे दोस्तों अपना वैज्ञानिक इसे नाजा नाजा बोलता है। इसके अंदर नीरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो कि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और ब्लड को थक्का बना देता है जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों देख सकते हैं बाल बाल बचे हैं, स्टंट नहीं करना चाहिए लेकिन महादेव हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के भरोसे जीव जंतु को बचाते हैं हम। लेकिन दोस्तों स्टंट नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम सेफ रहेंगे तभी जीव जंतु को बचाएंगे, जब हम ही नहीं रहेंगे दुनिया में जीव जंतु कहां से बचाएंगे। दोस्तों इसके काटने के बाद 40 मिनट से एक घंटे का समय होता है, अगर समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो जान बचेगी नहीं। दोस्तों देख सकते कितना भयानक कोबरा है। दोस्तों इतना बिग साइज कोबरा बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों इसे पैक करेंगे ले चलेंगे इसके अनुकूलित वातावरण में, इसे रिलीज कर देंगे ताकि ये बाकी के जीवन आसानी से व्यतीत कर पाए। दोस्तों काफी खूबसूरत है लेकिन बहुत खतरनाक भी है, अगर एक बाइट में हाथी को मार दे देगा, इतना भयानक है। दोस्तों भैया बैग हो गया था तो बचना मुश्किल हो जाएगा, आधे घंटे जाग जाग इंसान मौत की नींद सो जाएगा। दोस्तों एकदम रियल बाइक कर रहा है, काफी गुस्से में है ये। ऐसे साथ से आपको सावधानी बरतना है, अगर रात में कहीं निकले अंधेरे में तो टॉर्च बत्ती हाथ में लेके निकलना है।
और दोस्तों प्लीज कृपया करके देख ही देखा हीरो नहीं बनना, क्योंकि जिसको पूर्ण ज्ञान होता है वही इस काम को कर पाएगा। आप करेंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसका माइंड समझने में फिर हुआ भगवान के प्यारे तुरंत हो जाएंगे। पानी उनके काम है, तू अपने काम कर। दोस्तों देख सकते हैं साक्षात यमराज है, एक बाइट में तुरंत यमलोक पहुंचा देगा। दोस्तों इसका रियल अटैक आप लोग देख सकते हैं, बार बार रियल बाइट कर रहा है, पा नहीं रहा है। बस अगर पा जाएगा तुरंत हमको यमलोक पहुंचा देगा, ये तुरंत भगवान के प्यारे हो जाएंगे हम। लेकिन दोस्तों इसे पाने नहीं दिया जाए, क्योंकि हर एक्सपर्ट का यही तो चैलेंज होता है, सांप बाइट ना होने पाए। दोस्तों यही चैलेंज होता है। हेलो दोस्तों देख सकते हैं कुछ लोग कहेंगे कि दौड़ा के बाइट करता है, लेकिन दोस्तों ये अपने बचाव के लिए कुछ भी करता है, बाकी दौड़ा के सांप बाइट नहीं करते। ये अंधविश्वास सदियों से चलता चला रहा है, सांप इंसान को दौड़ा के बाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफी डर गया है और काफी गुस्से में है, इसलिए हमारे तरफ आ रहा है। जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे तरफ आता जा रहा है। और दोस्तों इस अंधविश्वास में आप लोग ना रहिए, क्योंकि जो पहले से चलता चला आ रहा है उसी पे लोग यकीन करते हैं। हम लोग कितना बताते हैं लेकिन कोई यकीन नहीं करता है, लेकिन जो रियलिटी हम लोग वही बताते हैं। हम लोग इसमें फेक सुझाव नहीं देते हैं, फेक बात नहीं बताते हैं, सब रियल बताते हैं। दोस्तों तुरंत समय को ना वेस्ट करते हुए पैक करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफी गुस्से में, अगर इस समय पा जाएगा छोड़ेगा नहीं। भैया बैग कहाँ है? बैग वहाँ है, वहाँ जाए ना कहूँ मैं के थैली में दे दे, मैं लेबू का होगा। अब रोबोट कटवा दे। चला चालू कर। तो दोस्तों अगर ऐसा सांप आपके घर में निकलता है कृपया करके उसे मारे नहीं, बचाने का प्रयास करिए। अगर आपके शहर में जो नजदीकी रेस्क्यूअर हो उसे याद करिए, अन्यथा हमारे पास कॉल करिए। आधी रात भिनौखी रात 24 घंटा सेवा देते हैं हम लोग ऐसे बेजुबानों को बचाने के लिए, ताकि अपना पर्यावरण संतुलित रह सके और ऐसे बेजुबानों को बचाया जा सके। इनके लिए तो एक लाइक जरूर कर देना, बाकी वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। दोस्तों इसे पैक कर दे। अरे जी दादू छोड़ा तो दोस्तों फाइनली पैक हो चुका है, इसीलिए चल के इसके अनुकूलित वातावरण में से रिलीज कर देंगे और बाकी का जीवन आसानी से व्यतीत कर पाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा है, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिल सके और इस काम को हम आगे